जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई कि बिहारी जी ने अपने सभी भक्तों के लिए पट खोल दिए हैं, अपने पर्दा हटा दिया है और कल से बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं। और हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसीजर के थ्रू आप दर्शन करने आ सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप दर्शन अभी नहीं करें, वैसे चालू हो जाएगा धीरे धीरे, ताकि सभी लोग आ सके। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए बिहारी जी के लिए एक भक्त द्वारा, हमारे मेरे बाकी भी परिवार से जो भक्त फैमिली है उसके द्वारा ठाकुर जी के लिए इस पर राधे लिख रहा है। ये डांडिया भेजे हैं और उनका भाव ये है कि जब बिहारी जी रास करने जाते हैं राधा रानी के साथ, यानी कृष्ण और राधा रास करते हैं, तो इस डांडिये के साथ वो रास करें और ये डांडिया के साथ खेलें, यही उनका भाव था जो हमने बिहारी जी के श्री चरणों में रखे उनके साथ, उनके समक्ष। और ये है आज बेबी पिंक कलर की साड़ी जो बिहारी जी ने धारण की हुई थी। और आज बिहारी जी का जो स्वरूप है, बिहारी जी सखी बने थे और बिहारी जी ने ये साड़ी पहनी हुई थी। और इसके साथ आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं आज साड़ियों का श्रृंगार था, और ये साड़ी हमने इकलाई के रूप में यूज़ की थी जो इस बेबी पिंक कलर के पीछे की तरफ में बैकग्राउंड में था, जो बहुत सुंदर दर्शन थे। और ये राधा रानी ने धारण की हुई थी, ये राधा रानी ने, और ये भी राधा रानी ने धारण की थी। और ये मटकी जो आप देख रहे हैं, हम इसको मटकी बोलेंगे, इस मुटिया को, ये ठाकुर जी के, जो बिहारी जी के सिर पे, मस्तिष्क पे ऊपर रखी थी। और इसका भाव ये था कि इसमें यमुना जल भरा हुआ था, और यानी कि सखी रूप में राधा रानी जो है वो यमुना जल लेकर आ रही हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रखी थी और नथ भी धारण कर रखी थी बिहारी जी ने। उसका श्रृंगार हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये श्रृंगार जो है बिहारी जी ने धारण किया हुआ था, यानी कि राधा रानी ने। ये आप देख सकते हैं श्रृंगार उनके हाथों पे भी बंधा था, ये गले में धारण किया हुआ था, बहुत सुंदर श्रृंगार है, इसके आप दर्शन कर रहे हैं। और एक और श्रृंगार है जो हम दिखाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं जो ठाकुर जी ने धारण किया हुआ था। और एक और श्रृंगार है, ये आप देख सकते हैं जो हार है वो भी बिहारी जी ने धारण किया हुआ था, पहना हुआ था। और ये नथ है उनकी जो ठाकुर जी ने आज लगाई थी, और आरती के टाइम जब गोस्वामी दर्शन कर रहे थे तो जो नथ थी वो ये गिरी थी, यानी कि नज़र लगी थी ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी ने फिर से आरती के बाद ये हमने वापस से एक बार धारण कराई जब श्रृंगार बढ़ाने से पहले। और ये आप देख सकते हैं बिहारी जी की मांग का टीका है जो ठाकुर जी ने धारण किया हुआ था, और ये पूरा इसकी मैचिंग के साथ है, आप देख सकते हैं। ये ठाकुर जी ने अपने हाथों में, जब बांसुरी बजाने वाले जो हाथे हैं उनके छोटे छोटे बिहारी जी के, वो इस तरीके से यहाँ धारण किया हुआ था। तो आज बिहारी जी का जो श्रृंगार था बेबी पिंक कलर में, और ये सारी जो साड़ी आप देख रहे हैं ग्रीन साड़ी, और ये जो एक और कलर है जो हॉट पिंक कलर भी है, बहुत सुंदर दर्शन थे, आनंद आ रहा था, नजरें नहीं अट रही थी। और आज बिहारी जी को अष्टमी पर हमने ये रूप दिया, सखी रूप राधा रानी का। और कल से बिहारी जी नवमी के दिन से सभी भक्तों को नवरात्रि में दर्शन फिर से दे रहे हैं। और इस बार धैर्य रखिएगा, आराम से दर्शन करने आइएगा, भीड़ ना बढ़ाइएगा, ताकि आगे कोई रीजन, आगे कोई कारण ऐसा ना बने। और वैसे बिहारी जी के दर्शन अब बंद नहीं होंगे, सभी भक्त धीरे धीरे दर्शन करने आ सकते हैं। और आप हमारा स्पेशल लाइव भी देखेंगे जो कि हमने रखा है शरद पूर्णिमा पर, जय बिहारी जी की, श्री हरदास, जय बिहारी जी की। और आप लोग देख सकते हैं जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। आप लोग देख सकते हैं कि कल से दर्शन खुलने हैं, उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ये हम आपको दिखाते हैं, ये वापस से रेलिंग वगैरह सब लग रही हैं, बैरिकेडिंग वगैरह लगेगी, और इसी के जरिए किस तरीके से पब्लिक आएगी पीछे से और दर्शन करके निकलेगी, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ताकि आप सभी लोग इसको समझें और इसी तरीके से दर्शन करने आए। और बिहारी जी के यहाँ से ये सब तैयारियाँ चल रही हैं, और यहाँ से फिर आप लोग बिहारी जी के दर्शन करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ठाकुर जी का जो अभी द्वार बंद है, ये खुल जाएगा कल, और ठाकुर जी सभी भक्तों को कल दर्शन देंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। और ये मेरे बांके बिहारी लिख रहा है, आप जो भी भक्त आएंगे इसके भी आप दर्शन करेंगे, मेरे बांके बिहारी लिख रहा है। और अपनी बंदरमान बंदरीय श्री कुंज बिहारी नमः पीछे है, और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आगे, मेरे बांके बिहारी परिवार की ओर से श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।